नवरात्रि महाअष्टमी महा उपाय। नवरात्रि के आठवें दिन बस कर लीजिएगा। नौ लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता रानी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी। न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज्यादा। वेद पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है जब भी नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है वह बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है। दोस्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी जी अपने वाहन सिंह पर सवार ना होकर पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आ चुकी है। वेद पुराणों में वर्णित है जब भी माता रानी की पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आती है तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इस दौरान जितने भी भक्तजन माता रानी जी की पूजा पाठ साधना करते हैं, माता रानी जी अपने हर भक्त के दुख दर्द तकलीफ परेशानी को खत्म कर देती हैं और उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और दोस्तों, चाहे आपने व्रत रखा हो चाहे आपने व्रत ना रखा हो, अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद और नवरात्रि की नवमी से पहले चुपचाप अगर 9 लौंग वाला उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वह आशीर्वाद वह वरदान मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस सन 24 की शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी योग बन रहा है और ऐसा शुभ समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है। और दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता रानी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल न किया जाए तो वह पूजा संपन्न और पूर्ण नहीं मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों, जो लौंग होती है इसमें माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, माता रानी जी के 9 रूप की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है, इसीलिए आपकी कोई भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए और आपको माता रानी जी के 9 रूप का आशीर्वाद मिल जाए तो बस आप लोगों को नवरात्रि के महाअष्टमी तिथि के दिन चुपचाप 9 लौंग का उपाय उस तरीके से करना होगा जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक ही दिन के उपाय से साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही में नहीं विदेशों में भी माता रानी जी के लिए पूरे 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर माता रानी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन व्रत रख लेता है तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप नवरात्रि के इन 9 दिनों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप 9 लौंग का उपाय कर लेते हैं जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं तो आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में लिख लीजिए क्योंकि 9 लौंग का उपाय तभी लाभकारी माना जाता है जब उसको सही मुहूर्त पर सही समय पर किया जाए और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता रानी जी की जय जय माता दी और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन का वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए,
एक ही दिन के उपाय से माता रानी जी के 9 के 9 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो बस एक छोटा सा उपाय आप नवरात्रि के इस महाअष्टमी तिथि के दिन कर लीजिएगा। आपको सिर्फ यह करना है, नवरात्रि के महाअष्टमी तिथि के दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपको एक मौली धागा लेना है और 9 लौंग लेना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपको लौंग की माला अपने हाथों से खुद बनाना है। इस माला को लेकर आपको माता रानी जी के मंदिर जाना है, माला अपने हाथ में पकड़ना है और 9 बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक बड़े आराम से मिल जाएगी। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद इसी माला को आपको मंदिर में माता रानी जी की प्रतिमा के सामने रख देना है। सिर्फ इतना उपाय। अगर आपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के महाअष्टमी की रात्रि को कर लिया, दोस्तों आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह माता रानी जी के आशीर्वाद से इस साल जरूर पूरी हो जाएगी। बस इस उपाय को करने के बाद आपको तामसिक भोजन जैसे शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला हमेशा के लिए छोड़ना होगा, तभी आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों यह बात हर व्यक्ति जानता है कि माता रानी जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार पड़ा है और उसका इलाज कराकर आप लोग थक चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी लौंग डालना है और उस काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है और इस लौंग की पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दान कर देना। देखिए आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके ऊपर कोई भी दोष होगा, परेशानी होगी, वह सारी दिक्कतें, वह सारी परेशानी ये लौंग अपने साथ ले जाएगी और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर के बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है वह व्यक्ति धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने नवरात्रि के महाअष्टमी की रात्रि को कर लिया तो माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो बस आपको यह करना है कि नवरात्रि के महाअष्टमी की रात्रि को अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता रानी जी की कला चित्र रखी है आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी लौंग डालना है और इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और सबसे पहले माता रानी जी की कला चित्र के सामने घी का दीपक जला देना है। उसके बाद इस पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद 9 बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इस पोटली को ले जाना है, अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। देखिए इतना उपाय अगर आपने नवरात्रि की महाअष्टमी की रात्रि को कर लिया तो यह पोटली माता रानी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी।